फरीदाबाद ओल्ड रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सीमेंट से भरी मालगाड़ी का एक डिब्बा अनियंत्रित होकर रेलवे स्टेशन की पार्किंग की दीवार को तोड़ते हुए पार्किंग के अंदर कई फीट तक घुस गया। इस हादसे में पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर सीमेंट से भरी मालगाड़ी पहुंची थी, जिसके अंदर से सीमेंट को उतारने के लिए यार्ड के अंदर मालगाड़ी को लगाया जा रहा था। लेकिन जब मालगाड़ी को पटरी पर पीछे की तरफ किया जा रहा था तो अचानक अनियंत्रित होने के कारण पार्किंग के अंदर मालगाड़ी का डिब्बा दीवार को तोड़ते हुए रेलवे स्टेशन के परिसर में घुस गया। परिसर के अंदर कई गाड़ियां खड़ी हुई थी। डिब्बे में पत्थर से कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद शोर सुनकर स्टेशन अधिकारी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में राहत कार्य शुरू किया गया। सर ये क्या होता है? ये बता रहे हैं कि सेंसर फेल हो गया, सेंसर फेल होने की वजह से कुछ हुआ। इधर देखे, सामने देखे, सामने देखे, सामने देखे। सेंसर का इससे कोई मतलब नहीं जी। क्या क्या वजह मानते हैं? अभी जो जांच आ रही है सामने, या पता कर रहे हैं क्या कुछ? जांच होगी, क्या जांच है क्या नहीं है वो तो आएगी ना अभी। घटना क्या है, ये घटना में क्या क्या हुआ है, किस तरह से घटी है? प्लेसमेंट कर रहे, प्लेसमेंट करते हुए गाड़ी रोल हो गई पीछे। तो बता रहे हैं ब्रेक नहीं लगे उस पे, ड्राइवर पे, इसलिए यहाँ तक पहुँच गई। ड्राइवर ब्रेक तो लगाएगा, ब्रेक ना लगती तो कहाँ पहुँचती गाड़ी जी। तो मतलब नुकसान होने के बाद ब्रेक लगे हैं ना? हाँ, ठोकर लगने के बाद ठोकर ज्यादा स्पीड से आ रहा। किसकी गलती और प्रथम दृष्टि से क्या कुछ मान रहे हैं? किसकी गलती कह सकते हैं? अभी हमारे पॉइंट्समैन जो पीछे थे जी, उनकी कमी निकलगा है, बाकी जो कल क्लियर निकलेगा वो पता चलेगा। गाड़ी में क्या है सर? गाड़ी में क्या है? इसमें सीमेंट है। प्रथम दृष्टि से क्या कुछ नजर आ रहा है? आप पहुंचे यहाँ पर, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? कैसे अब यहाँ पे लोगों को भी हटा दिया गया है, या कैसे ब्रेक फेल थी, या क्या कुछ लगा? पहला दृष्टि क्या? ब्रेक फेल नहीं थी, जो पॉइंट में पीछे था वो अपने काम में थोड़ा, उनको बताने में उनका वो रहा कि भाई पीछे मार्जिन कितना है, क्योंकि मार्जिन ये लास्ट तक प्लेस होती है। उन्होंने मार्जिन बताया चार गाड़ी का, मार्जिन गाड़ी था दो गाड़ी का, तो उससे वो फर्क पड़ा। अच्छा, अब क्या क्या उसकी जांच, कोई इंक्वायरी है किस तरह की? पहले तो हमारा मेजर काम है इसको उठाना, उसको उठाएंगे, उसके बाद अधिकारी आ रहे हैं, वही आपको स्टेटमेंट देंगे। और वही जिनकी गाड़ी को नुकसान हुआ है उनको क्या कुछ जो है मांग रहे हैं, मिल मुलाकात नहीं हो पा रही है? गाड़ी किसकी थी वो जी? पार्किंग में आई हुई थी अंदर। पार्किंग कहाँ? पार्किंग हमारे यहाँ है नहीं। अगर गाड़ी रोज खड़ा कर रहे हैं वहाँ बिना बताए किसी के, उसमें क्या कर सकते हैं? पार्किंग जोन, पार्किंग में जगह नहीं हुआ हमारे। गोयल साहब, आप अधिकारी हैं पुराने यहाँ के, तो लगता है आपको, आप मानते हैं कि ये रेलवे के कर्मचारियों की गलती है? ये रेल कर्मचारियों तो गलती है ही जी। क्या वजह थी? आज बड़ा हादसा हो सकता था ऐसा? नहीं, बड़ा हादसा कैसे होता? अगर गाड़ी आगे तक जाती तो नहीं होता बड़ा हादसा। अगर ये गाड़ी और आगे तक चली जाती तो होता नहीं गड़बड़। अगर स्पीड तो कंट्रोल थी तभी गाड़ी यहाँ रुकी ना। अगर स्पीड कंट्रोल ना होती तब तो रुकी नहीं सकती। नहीं, अगर नहीं होती तो नहीं होती स्पीड कंट्रोल। अगर यहाँ तक कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल होती तो ये अपने यहाँ पे गंतव्य स्थान है वहीं रुकती। लेकिन ये आप देख सकते हैं बाउंड्री को तोड़ के अंदर घुस चुकी है। स्पीड उसकी ज्यादा थी ना, और ज्यादा होती तो हम ऐसा सवाल करें आपसे। और ज्यादा भैया 5 की स्पीड से गाड़ी आ रही थी, क्योंकि शंटिंग के लिए 5 की स्पीड हमारी होती है, उसे प्लेस कर रहा था। अब उसमें जो था तो पीछे उनको मार्जिन ठीक नहीं लगा, इसलिए वो पीछे थे, गाड़ी ठोकर हो गई। ठीक है, जांच कमेटी बनाई। नाम बता दीजिए। विजय बरमानी। बरमानी जी, क्या कुछ हादसा हुआ यहाँ पर, कैसे पार्किंग? गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है डिब्बे से। सब गाड़ी, हम तो आए थे अंदर वहाँ पर, आने के बाद आए तो हम 10 मिनट के बाद या रेलवे की गलती के चक्कर में हमारी गाड़ी चली गई। क्या हुआ है, मतलब हुआ क्या? गाड़ी बैक हो रही थी, मतलब माल गाड़ी ये बैक आ रही थी, डिब्बा बैक आ रहा था, बैक आते वक्त दीवार तोड़ दो पार्किंग में। पार्किंग आपकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। अच्छा, ठीक है। लापरवाही नहीं मानते बड़ी, अगर बड़ा हादसा हो सकता था, हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो क्या कुछ नुकसान हुआ है आपका? क्या गाड़ी खत्म हो गई? अब रेलवे का क्या कुछ कहना है आपका? रेलवे जो करेगी देखेंगे। क्या कुछ पुलिस वालों से बात हो रही थी? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनते ही नहीं, कोई कहता इधर जाओ, कोई उधर जाओ। तो नुकसान है अब ये, कितने दिनों तक जो है डैमेज बता रहे हैं? क्या कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखेंगे हमारा जो नुकसान वो मिल जाए हमें, अब क्या करें? मतलब ये तो अच्छा है कि इसके अंदर कोई था नहीं। सर ये क्या होता है? ये बता रहे हैं कि सेंसर फेल हो गया, सेंसर फेल होने की वजह से कुछ हुआ। इधर देखे, सामने देखे, सामने देखे। सेंसर का इससे कोई मतलब नहीं जी। क्या क्या वजह मानते हैं? अभी जो जांच आ रही है सामने, या पता कर रहे हैं क्या कुछ? जांच होगी, क्या जांच है क्या नहीं है वो तो आएगी ना अभी। घटना क्या है, ये घटना में क्या क्या हुआ है, किस तरह से घटी है? प्लेसमेंट कर रहे, प्लेसमेंट करते हुए गाड़ी रोल हो गई पीछे। तो बता रहे हैं ब्रेक नहीं लगे उस पे, ड्राइवर पे, इसलिए यहाँ तक पहुँच गई। ड्राइवर ब्रेक तो लगाएगा, ब्रेक ना लगती तो कहाँ पहुँचती गाड़ी जी। तो मतलब नुकसान होने के बाद ब्रेक लगे हैं ना?
हाँ ठोकर लगने के बाद ठोकर ज्यादा स्पीड से आ रहा था। किसकी गलती कह सकते हैं? अभी हमारे पॉइंट्समैन जो पीछे थे जी उनकी कमी निकल गए, बाकी जो कल क्लियर निकलेगा वो पता चलेगा। गाड़ी में क्या है सर? गाड़ी में क्या है? इसमें सीमेंट है। क्या कुछ नजर आ रहा है?